करते हुए सर आप अपना नाम बताइए कुछ। रामेश्वर तिवारी, हाँ हम सकल सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हम हर संडे को इन्हीं के माध्यम से, अशोक के माध्यम से आते हैं, आके जितना भी होता है साफ सफाई करके, आरती वारती करके हम लोग जाते हैं। और हम यही लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई माँ यमुना पे विशेष ध्यान दें, पन्नियाँ न डालें और सफाई पर विशेष ध्यान दें। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बेटा आपका क्या नाम है? दिव्या। और आप कुछ मैसेज कुछ सोचते हो यमुना को गंदा देख के कैसे? मैं यही सोचती हूँ कि बताओ, जब चाइना की एक रिवर है जो कि उनकी धार्मिक नदी नहीं है, लेकिन तब भी वो उसे इतना साफ रखते हैं। और ये तो हमारी बल्कि धार्मिक नदी है, तब भी हम इसे साफ नहीं रखते। इसमें पन्नियाँ फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है और वो गलत है। तो लोगों को नहीं फेंकना चाहिए इसमें, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते। देखिए बहुत अच्छा बच्चे ने बताया, हमारे छोटे छोटे बच्चे जागरूक हैं और इतना सोच रहे हैं प्रकृति के प्रति, तो बहुत अच्छी बात है। और देख लीजिए आप नीचे कितने पूजा की सामग्री फेंका गया है। तो आप ठीक है, आप पूजा कीजिए माँ को, लेकिन माँ को गंदा मत कीजिए, क्योंकि हमारी माँ है। माँ को हम साफ रखना और इसको हरा भरा करना हमारा काम है। तो आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग शेयर कीजिए। और जो जो लोग यमुना में, आप अगर मैं यहाँ पर चलाऊँ वीडियो तो दिख जाएगा गाड़ी खड़ी है और कोई ना कोई आदमी इसमें कुछ पूजा की सामग्री डाल रहा है। तो आप इस चीज़ को रोकिए, आप लोग खुद समझदार हो। सरकार हर जगह नहीं खड़ी रह सकती है, हमारा अपना भी कुछ फर्ज बनता है। हमें हमारी थिंकिंग देखिए, किसी ने आप कूड़ा फेंका आपके सामने, मैंने बोला ना कि आप 2 मिनट रुक जाइए, आपको लोग दिखने लगेंगे कि यहाँ पे कूड़ा फेंकते हुए नदी को। और ये कितना है, घर में पूजा करते हैं और इनको नहीं समझ में आती, भगवान बुद्धि नहीं देते कि इस चीज़ को हम लोग गंदा कर रहे हैं। आप लोग देख लो, आप 2 मिनट आगे कभी भी ITO पुल पे खड़े हो जाओ, दिन भर में आपको 100-200 लोग मिल जाएंगे। तो सरकार अगर देख रही है इसको तो एक ITO पे एक कोई गार्ड लगाए जो इन लोगों को रोके कि भैया ये गंदगी इसमें मत डालिए। और यहाँ पे तो अब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं, हम राजनीति किसी को हम कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो आप इस चीज़ को करो, ये बहुत बड़ा काम नहीं आपके लिए। आप गंगा साफ कर रहे हो, आप बुलेट ट्रेन ला रहे हो भारत में, तो ये यमुना को साफ करना आपके लिए। आप बस अगर डैम का पानी अगर हर महीने एक मात्रा में छोड़ते हो, तो कहते हैं चलता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है या गंदा नहीं होता है। तो इस नदी को हमेशा बहने दे, रुकने ना दे। और ये सब हमारे साथ लोग आए हुए साफ कर रहे हैं, बोरी ले ले कूड़ा उठा रहे हैं, तो हम लोग दिखाना चाहते हैं। आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी आइए। हर महीने की लास्ट संडे जो पड़ती है उस पर काम हो रहा है, लेकिन अब हम चाहेंगे कि महीने के एक संडे और बढ़ाया जाए और कम से कम 2 बार यहाँ पर काम हो, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़कर इस मिशन को, यमुना मिशन को साफ स्वच्छ और हरा बना सकें। और हमारे मोहित जी हैं, देखिए हर जगह एक्टिव होते हैं पूरे दिल्ली में अपने वॉलेंटियर के साथ। तो हम लोग का ऐसे ही साथ चाहिए, जो छोटी छोटी NGO है, बड़ी NGO है, आकर आप लोग यहाँ पर इस नदी को साफ कीजिए और यमुना को इतना सुंदर बनाइए कि कोई मॉल में ना घूमने जाए, हमारे दिल्ली के यमुना नदी के किनारे घूमने आए और आकर यहाँ पर बैठे, कुछ टाइम दे कुछ प्रकृति के साथ। अगर आप इनको माँ मानते हो, भगवान मानते हो, इनका भी आशीर्वाद आप पे बनेगा और आपके कष्ट जो भी होंगे उसको ये माँ यमुना कम करेंगी। हम चाहते कि यमुना इतना साफ हो जाए कि हम कपड़ा इसको देखते ही कूदने का मन हो कि इसमें हम नहा लें। अभी आप देखोगे कि रंग जैसे नाला नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारी माँ है, या बदबू आ रही है ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये आप जैसे जनता या कंपनियों ने ऐसा हाल कर रखा है कि वो यमुना नदी माँ तो विलुप्त ही हो गई यहाँ पर। और हमारा ये वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, यही काम है कि आप लोगों को शिक्षा मिले और आप लोग आए और इस कुंभ में, जो यमुना साहब का मिशन कुंभ सफाई है, उसमें भाग लें। और देखिए यहाँ पे घाटों के पास जो एकदम यमुना किनारे है, वहाँ पे लोगों ने कितना गंदगी कर रखा है।